भाजप शिवसेना महायुतीचे उमेदवार श्रीरंग बारणे यांच्या प्रचारासाठी पनवेलमध्ये ठिकठिकाणी प्रचारसभेचे रविवारी आयोजन करण्यात आलं होतं. त्या अंतर्गत कळंबोलीमध्ये ही प्रचारसभा झाली. यावेळी सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले की कळंबोली क्षेत्रात विविध राज्यातील नागरिक येथे राहतात. हे सर्व नागरिक नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाला पुढे नेण्याचं काम करीत असून ही सर्व जनता बारणे साहेब पुन्हा एकदा दिल्लीत आपल्याला पाठवणार आहे असा विश्वास व्यक्त केला. मावळ लोकसभा मतदारसंघात भाजप शिवसेना महायुतीच्या प्रचाराचा झंझावात सुरू झालाय. त्याअंतर्गत कळंबोलीमध्ये प्रचारसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सभेला भाजप शिवसेना महायुतीचे उमेदवार श्रीरंग बारणे, शिवसेना रायगड जिल्हाध्यक्ष शिरीष घरत, भाजप तालुका अध्यक्ष अरुषड भगत, महापौर डॉक्टर कविता चौतमूल, उपमहापौर विक्रांत पाटील, संपर्क प्रमुख दत्ताजी दळवी, सल्लागार बबनदादा पाटील, महानगर प्रमुख रामदास शेवाळे, नगरसेविका दर्शना भोईर, प्रमिला पाटील, विद्या गायकवाड, मोनिका महानवर, नगरसेवक अमर पाटील, राजेंद्र शर्मा, भाजप कळंबोली शहर अध्यक्ष रविनाथ पाटील, महिला मोर्चा कळंबोली अध्यक्षा प्रियांका पवार यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक आणि मान्यवर मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. यावेळी भाजप शिवसेना महायुतीचे उमेदवार श्रीरंग बारणे यांनी मतदारांना त्यांनी केलेल्या कार्याचा अहवाल देत ही निवडणूक आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुन्हा पंतप्रधान होणार असून मात्र त्यामध्ये आपलं योगदान महत्त्वाचं आहे आणि ते योगदान मतांद्वारे आपल्याला द्यायचं आहे. त्यासाठी आपण महायुतीचा उमेदवार म्हणून मला साथ द्यावी असं आवाहन केलं. पवार परिवाराचा एक परिवारातील घटक या निवडणुकीला सामोरून जात आहे. म्हणून ही निवडणूक तुमच्या माझ्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाची आहे, कारण ही निवडणूक देशाची निवडणूक आहे. ही निवडणूक महापालिकेची नाही, स्थानिक पातळीवरची नाही. म्हणून या निवडणुकीला सामोर जात असताना आपण या निवडणुकीकडे वेगळ्या नजरेने पाहायला पाहिजे. देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे 5 साल में एक सक्षम प्रधानमंत्री बोल के काम कर रहे हैं. पूरे देश में प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, कई सारी योजना भारत के कई इलाकों में गांव तक पहुंचाने का, शहर से गांव तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है. कई सालों के बाद इतना सक्षम प्रधानमंत्री देश को मिला है. आज भी जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस बस्ती में गए हैं, तो लोगों को, नौजवानों को, नवीन वोटर को पूछ रहे थे तो किसको वोटिंग देंगे, तो वो बोलते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है. इतना विश्वास प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया है. आज ये चुनाव में जो मेरे सामने कैंडिडेट खड़ा हुआ है, एक परिवार से जुड़ा हुआ कैंडिडेट, मेरा कोई दादा परदादा कोई राज्य का MLA नहीं था, MP नहीं था, कोई CM नहीं था, कोई राजनीति में नहीं था. जो जिस पवार परिवार से जो कैंडिडेट खड़ा है, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता और कभी मेरे भाषण में उनका नाम नहीं लेता, क्योंकि मेरी राजनीतिक कार्यकर्ता 25 साल की है. जितनी जितनी उनकी उम्र नहीं, उतनी मेरी राजनीतिक कार्यकर्ता. मैं आप सभी से गुजारिश करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ. आदरणीय अम्बा बारणे जी इस चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे हैं. एक तरफ पिछले 5 सालों में उनको जिस तरीके से आपने 2014 में उनके पीछे खड़े रहे, तो पिछले 5 सालों में इस पूरे विधान इस लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने अपना हर एक मुद्दा उस लोकसभा तक वहां पर रखा. लोकसभा में पहले 10 सांसद जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसमें से एक आदरणीय अम्बा बारणे जी का परफॉर्मेंस है कि जिसके माध्यम से उन्होंने हमारे इस क्षेत्र की आवाज को हमेशा वहां पर गूंजता रखा. चाहे रेल की समस्या हो, चाहे डेवलपमेंट की समस्या हो, चाहे नौकरियों की समस्या हो, हर समस्या को वहां पर उजागर करने का काम उनके माध्यम से हुआ. एक तरफ उनके जैसा एक नेतृत्व है, एक सर्वसामान्य एक आम परिवार से वो आ गया है और अपने आप को पिछले 25 साल की राजनीति में एस्टैब्लिश करने के लिए मेहनत की, तब जाकर सांसद बने. जब सांसद बने तो बेहतरीन 5 साल लगातार सोचिए, 5 साल संसद रत्न का पुरस्कार अर्जित करने वाला हमारा सांसद हो, इससे बड़ा हमारे लिए गर्व की बात क्या हो सकती है. ऐसी एक शख्सियत है हमारे सामने. और दूसरी शख्सियत है कि अपनी एक परिवार का राजनीति आगे चलाने के लिए उनको जिम्मेवारी दी गई है.
और मैं नहीं जानता कि क्यों जिम्मेवारी दी गई है, सिर्फ इसके लिए कि उनके पास पैसा है, सिर्फ इसलिए कि उनके पीछे नाम है। और मैं भी कहूंगा कि क्या नाम है, आपने हमने किसी ने जो नाम सुना नहीं, और महाराष्ट्र भर में जो नाम बदनाम है, तो ऐसे नाम को लेकर आप क्या करिएगा। पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट।